नमस्कार दर्शकों, प्रतिलिपि स्पॉटलाइट के तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रीति नायर और मैं प्रतिलिपि में एज अ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन पर काम करती हूँ। प्रतिलिपि स्पॉटलाइट एक कोशिश है हमारी तरफ से उन लेखकों को आपसे रूबरू कराने की जिन्होंने अपनी कहानियों से प्रतिलिपि के रीडर्स का मनोरंजन तो करते आए हैं, पर अब उनके लिए प्रतिलिपि एक आमदनी का जरिया भी बन चुकी है। मुझे एक बहुत प्रसिद्ध कथन याद आया है। उस काम का चयन कीजिए जिसे आप पसंद करते हो, फिर आप पूरी जिंदगी एक दिन भी काम नहीं करेंगी। ऐसी ही एक लेखिका हमारे साथ है जो प्रतिलिपि हिंदी पे लिखती है, हेमा श्रीवास्तव जी। उनकी रचनाएं, कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, मिले ना मिले हम, ठरकी और शहजादी, मेरी बीवी को प्यार हो गया, नौलखा, मिस लावण्या, और आज उनके प्रतिलिपि हिंदी पे 8,000 से ज्यादा फॉलोवर्स हैं और उनकी रचनाओं को 23 लाख, इनफैक्ट 26 लाख से ज्यादा लोगों ने पढ़ा है। तो हेमा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू मैन एंड नमस्ते। और आपका भी स्वागत है मेरे सामने। आप पहली बार मुझे मिल रही हैं, धन्यवाद श्रीवास्तव जी, जी। आपने अपना कीमती वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम एक्चुअली आज बात करना चाहते हैं आपके सक्सेस जर्नी के बारे में, कुछ टिप्पणियां आप नए लेखकों को जो देना चाहती है। तो आप सबसे पहले आपने लिखना कब शुरू किया? ये हमेशा से बचपन का आपसे कोई शौक था या आपने खुद की ये प्रतिभा प्रतिलिपि पर आकर पहचानी? मैम, बचपन में मैंने लिखा था। सबसे पहले लिखा था मैंने, हम सबको प्यार हो गया। मतलब स्टार्टिंग से ही मुझे लव जोनर में लिखना पसंद रहा है। लेकिन जब मैं 15 साल की थी तब मैंने लिखा था। बस वो मतलब एक शौक कह सकते हैं उसे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे, तब इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं हुआ करती थी हमारे पास कि हम घर बैठे इस तरह से ऑनलाइन लिखें, उसको कहीं पब्लिश करें। तो बस वो छूटता गया कहीं ना कहीं। एक दो मेरे लेख प्रकाशित हुए न्यूज़पेपर में, वह मुश्किल उसको भेजते थे, बहुत प्रॉब्लम होती थी, आप लोग समझ सकते हैं। तो इस तरह से छूटता ही गया। फिर शादी, जॉब मैंने की 7 साल तक, उसके बाद बच्चे, सब कुछ छूटता गया। फिर मैंने 2 साल पहले प्रतिलिपि पर लिखना शुरू किया, और सही मायनों में तभी से मैंने लिखना शुरू किया जब मैं प्रतिलिपि से जुड़ी जी। मैं तो आप प्रतिलिपि के साथ कब जुड़े और आपको प्रतिलिपि के बारे में पता कैसे चला? प्रतिलिपि से वही 2 से 2.5 साल पहले मैं जुड़ी थी। अच्छा। और सबसे पहले मैं फेसबुक चलाती थी, तो फेसबुक पर मैंने प्रतिलिपि का ऐड देखा था। उसके बाद मैंने पढ़ा वहां पर और प्रतिलिपि से जुड़ती गई। तो आप क्या एक फुल टाइम लेखक है आप? क्योंकि आप आर्ट्स एंड क्राफ्ट टीचर भी रह चुकी है, तो अब आपका पूरा फोकस लिखने पर है। जी, अब यही कह सकते हैं कि फुल टाइम लेखक हूं मैं, क्योंकि अब मुझे लेखन में मतलब इतनी खुशी प्रसन्नता मिल रही है और सब कुछ अच्छा हो रहा है। और मैंने अब जॉब भी छोड़ दी, मैं किसी वजह से नहीं कर रही हूँ, तो फुल टाइम लेखक आप कह सकते हैं मुझे अच्छा। तो जी। हाँ जी, जब आपने प्रतिलिपि पर लिखना शुरू किया, तब शुरुआत में कैसा अनुभव था आपको और आपके पाठकों की क्या प्रतिक्रिया थी, क्या रिएक्शन था आपके रचनाओं पे, आपको क्या फीडबैक्स मिलते थे? मैंने 2 साल पहले लिखना शुरू किया था, तो सबसे पहले तो मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं। पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था, मैं बताऊं आपको, कुछ मैंने रचनाएं पढ़ी, तब मुझे समझ आया कि इस पे हम लिख भी सकते हैं धीरे धीरे। स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था। फिर मैंने कॉपी पेन उठाकर 1-2 हजार शब्दों की पूरी स्टोरी लिखी, और धीरे धीरे उसको एक एक वर्ड करके प्रतिलिपि पर लिखा। प्रतिलिपि पर मैंने लिख तो दिया, कुछ व्यूअर, कुछ रीडर्स मिले मुझे लगभग 100-150। लेकिन मेरे लिए जो सबसे बुरी बात थी, वो एक भी कमेंट नहीं था उस पर लगभग 8-10 दिनों के अंतराल में। तो मुझे बहुत टेंशन हो गई कि पता नहीं लोग कर पा रहे हैं कमेंट कि नहीं। तो फिर मैंने प्रतिलिपि को एक मैसेज किया, और मतलब मुझे बिलीव नहीं हुआ कि मैं इतनी न्यू राइटर हूँ और प्रतिलिपि ने इतने जल्दी इसका आंसर किया। दूसरे दिन आंसर आया, मैम प्लीज आप काम करते रहिए, धीरे धीरे कॉमेंट आएंगे, डोंट वरी। और ऐसा मतलब टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। और उसके अगले ही दिन मुझे पहला कमेंट आया, और वो कमेंट 2 लाइन का था, मैंने उसका आंसर 8 लाइन में दिया, थैंक यू और पता नहीं क्या क्या। उसके बाद मैम एक के बाद एक कमेंट आते गए, और वो मतलब बहुत हिट हो गई मेरी स्टोरी। अब तो प्रतिलिपि ने उसको एक अच्छी स्टोरी में शुमार किया है, सबसे ज्यादा पढ़ने वाली स्टोरी में भी रखा है। 70 से 80 हजार उसको रीडर्स मिले हैं मेरी स्टोरी को। वो थी कांच की दीवार, पहली स्टोरी, सिर्फ 2 हजार शब्दों की। फिर मुझे उस पर अच्छा रिस्पांस मिला, तो मैंने तुरंत ही दूसरी स्टोरी शुरू की, धारावाहिक, मेरी बीवी को प्यार हो गया।
मैंने सोचा 5-6 एपिसोड लिखूंगी, लेकिन उसके 24 एपिसोड मैंने लिखे और वो मतलब बहुत पसंद आई लोगों को बहुत ज्यादा। उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं लिखती गई, फिर कोई भी खराब अनुभव नहीं था। नहीं, मैं कह रही थी आपने बहुत अच्छी बात की, लिखने से पहले पढ़ना बहुत जरूरी होता है। जी मैम, आपको बहुत कुछ पता चलता है कि आपको कैसा लिखना है, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। तो आई थिंक जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे और लिखना चाहते हैं, उनको एक बहुत अच्छी टिप्पणी मिली कि पहले पढ़िए फिर लेखक बनिए। बिल्कुल। तो आपकी लिखने की टेक्निक क्या है? क्या आप सोचने के लिए बहुत सारा समय लेते हैं, या किताबें पढ़ते हैं, आसपास की चीजों से प्रेरणा लेते हैं? आप कैसे लिखते हैं? इंस्पिरेशन क्या है आपकी? मैं सोचती ज्यादा हूँ मैम, मतलब देखती हूँ आसपास, टीवी सीरीज फिल्में ये सब देखती हूँ, लेकिन इन सब के साथ जो मेरा बेस है वो ये है कि मैं सोचती बहुत हूँ। कल्पना शक्ति से ही मुझे लगता है मैं लिखती हूँ, क्योंकि जब एक कहानी मैं लिख रही होती हूँ मोबाइल में या फिर कॉपी पेन पर, तो दूसरी कहानी मेरे दिमाग में चल रही होती है, उसके कैरेक्टर, उसका मतलब उसकी जगह, उसके सीन, डायलॉग्स, यहाँ तक कि उसकी ड्रेसअप जो भी है, तो वो सब कुछ प्रिपेयर हो जाता है माइंड में मेरे, दूसरी कहानी का प्लॉट जो है। अच्छा, जब तक 3-4 महीने तक एक कहानी चलती है, तब तक दूसरी कहानी मतलब एक चलचित्र की तरह मेरी आंखों के सामने से निकल जाती है, वो तैयार हो जाती है, और फिर जैसे ये खत्म होती है तो दूसरी स्टोरी मैं शुरू करती हूँ। तो मैं कल्पना शक्ति को सबसे इंपॉर्टेंट मानती हूँ, कि जब तक आप सोचेंगे नहीं, आसपास की चीजें अगर देख भी लेंगे तो एक पॉइंट देखेंगे, उसके अलावा आपको सब कुछ सोचना पड़ेगा और तभी लिख पाएंगे। तो तो इस तरह से मैं, मेरा यही तरीका है लिखने का, जी बिल्कुल सही भी तरीका है। कभी कभी किसी नाम को लेके, कभी किसी कैरेक्टर को लेके, तो कभी किसी सिर्फ एक जगह को लेके मैं कहानी तैयार कर लेती हूँ। अच्छा, सही बात, आपने सही बोला कि जी देखने से सिर्फ नहीं होगा, आपको सोचना भी पड़ेगा। मेरे बिल्कुल तो मैम, काम बहुत कुछ है, बट जब तक हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं। बट अब समझ में आ गया कि जब आप एक पहला कहानी लिख रही है, आपकी दूसरी कहानी ऑलरेडी आपके दिमाग में चल रही है। सही। यस तो मैम, यही होता है। आप हमारे दर्शकों के साथ अपनी कुछ सीख, जो आप प्रतिलिपि पे आपने सीखा कि ये करना चाहिए मुझे या ये नहीं करना चाहिए, क्या आप शेयर कर सकती हैं? बिल्कुल मैम, देखिए सबसे पहली सीख तो मेरी यही है कि आप मतलब सबसे पहले आप अपना मन पसंदीदा काम कीजिए। जी मतलब मुझे लगता है कि हाँ मैंने एक उम्र जी ली है, शायद आप लोगों को ना लगे, बहुत कुछ सीखा, और ये बात बिल्कुल सच है कि उम्र के साथ साथ हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैंने अभी तक जो समझा, पहले मैं भी नहीं समझ पाती थी, कि हमें अपना मन पसंदीदा काम करना चाहिए, जिस काम में हमें इंटरेस्ट हो, जो जिस काम से हमें लगाव हो, प्रेम हो, वो करें, तो उसमें हम आसानी से आगे बढ़ेंगे। और जल्दी हार ना माने प्लीज, कि अगर एक दो बार हमें कोई नकारात्मक उत्तर मिला या ऐसी प्रक्रिया मिली, तो हम हार के ना बैठें, आगे बढ़ते रहें। जी और बहुत अगर आप जानना चाहते हैं कि हमें क्या प्रतिभा है, मतलब कई बार समझ में ही नहीं आता कि सच में मतलब मेरे अंदर क्या है ऐसा कि जिस काम में मैं आगे बढ़ सकती हूँ। मैं भी नहीं समझी थी कि मैं राइटर हूँ, 2 साल पहले मुझे लगा कि हाँ मैं लिख सकती हूँ, लोगों को भी पसंद आ रहा, तो मैंने लिखना शुरू किया। तो आप आंखें बंद करके एक बार दिल से सोचें कि आप खुद को कहाँ पाते हैं, किस चीज में आपको खुशी मिलती है। अगर आप दिल से सोचेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ किस काम में आपको खुशी मिल रही है, और उसमें आगे बढ़ें। और काम करते साथ ही प्लीज फल की इच्छा ना रखें, ये कृष्ण जी ने गीता में कहा है, लेकिन ये बात उतनी ही सच है कि जितनी एक लाइन में उन्होंने कह दी। मैंने 2 साल तक प्रतिलिपि एक काम किया, आप सभी जानते हैं कि पहले हमें कुछ भी नहीं था, यहाँ पर कोई अर्निंग नहीं थी, उसके बाद भी पूरे दिल से काम किया। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रतिलिपि पर बहुत सारे बड़े और अच्छे राइटर हैं जिनको बहुत अर्निंग हो रही है, मतलब बहुत सारे फॉलोअर हैं, तो उनको भी पता नहीं था कि हमें प्रतिलिपि से कुछ मिलने वाला है, लेकिन उन लोगों ने निस्वार्थ, मैं हूं चाहे वो हूँ, निस्वार्थ रूप से मतलब एक लगन के साथ, प्रेम के साथ प्रतिलिपि को चुना और उस पर लिखना शुरू किया। लेकिन ये सोचा भी नहीं था कि हमें कभी प्रतिलिपि से कुछ अर्निंग होगी, पर उसका फल आज सबको मिल रहा है। तो प्लीज तुरंत ही अपने फल की आशा ना करें, आप सोचें कि जब आप उतना कर लेंगे तो उसके बाद आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। कार्य करे फल की तो चिंता ना करे। ना करें, ये बहुत सही बात है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप कर्म करते रहेंगे तो फल जरूर मिलेगा, थोड़ी सा पेशेंस रखेंगे, और वरना आप भटकते रहेंगे।
यहाँ नहीं तो वहां, वहां नहीं तो वहां, सब जगह ऐसे यही होगा, तो यही कहना इतने सारे चाहूंगी। फॉलोवर्स है, इतने सारे जी रीडर्स है, 26 लाख से ऊपर लोगों ने आपकी रचनाएं पढ़ी है, तो जी आपके पाठक आपके लिए कितना मायने रखते हैं, कि उनका फीडबैक जो होता है आप कितना लेते हो, क्या है? बहुत मैम, पाठक ही सब कुछ है मेरे लिए, मेरे लिए क्या, सभी राइटर्स के लिए पाठक ही सब कुछ होते हैं, और उतना ही मायने रखते हैं जितना कि एक भूखे के लिए खाने से भरी हुई थाली। जब हमें भूख लगती है और हमारे सामने खाने की थाली आती है, तो जितनी खुशी होती है ना, उतनी ही खुशी मुझे तब होती है जब मैं कोई भाग अपलोड करती हूँ, फिर मुझे भूख रहती है मेरे पाठकों के प्यार की, मतलब कि उनके कॉमेंट की, जो मैं हर घंटे देखती हूँ आज भी। और पाठकों के बिना तो कुछ नहीं हो सकता मैम, मैं उनके मतलब बहुत प्यार के साथ साथ इज्जत भी करती हूँ, और बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए। क्या आप अपने पाठकों से इंटरेक्ट भी करती हैं कमेंट सेक्शन में? बिल्कुल मैम, हर हर क्वेश्चन का जवाब मैं उनका देती हूँ, जब मुझे पर्सनली करते हैं वो लोग या फिर चैट रूम में जाकर, तो हर सवाल का जवाब मैं अपने पाठक को जरूर देती हूँ। अपनी बात तो ये बता दी कि पेशेंस ना खोए, बट मैं कह रही हूँ कि ऐसे बहुत सारे नए लेखक हैं जो लिखना चाहते हैं प्रतिलिपि, पर शुरुआती के दिन बहुत मुश्किल होते हैं। एक तो वो प्रेरणा मिलना कि लिखना शुरू करो, एंड दूसरा ये है कि नकारात्मक टिप्पणियों और आलोचनाएं जो उनको थोड़ा सा धीमा कर देती है, तो आपका कोई सुझाव है उनके लिए? हाँ मैम, ये तो है, स्टार्टिंग में हमें डर भी लगता है कि पता नहीं लोग हमारी रचनाएं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, क्या हमने लिखा है, और लोग जो इतने मतलब बड़े बड़े राइटर बन गए कैसे बन गए, मतलब बहुत सारे सवाल रहते हैं, उलझा हुआ रहता है दिमाग, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन आपको सबसे पहले यही करना है कि आपको मतलब निरंतरता बना के रखना है, रुकना नहीं है। अगर आप एक कहानी आपने शुरू की, आपको पता है कि पाठक मतलब इसे ज्यादा पसंद नहीं किया जा रहा, फिर भी आप उसे अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि जो लोग पढ़ रहे हैं अधूरी कहानी छोड़ने पर, हमारे पाठक सबसे ज्यादा नाराज और उदास और गुस्सा हो जाते हैं। मैंने ये किया है, अधूरी कभी ना छोड़ें कहानी, प्लीज पूरी करें उसे। और आपके जो भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, तो अपने साथी लेखकों से मतलब मैसेज करके बात कर सकते हैं, मैंने भी की, कई लोग जवाब नहीं देते थे, कई लोग देते थे, पर मतलब मुझे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हल सुझाव मिल जाता था। तो निराश ना हो प्लीज, प्रतिलिपि तो बहुत फ्रेंडली है, प्रतिलिपि से भी आप पूछ सकते हैं अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, या कोई भी मतलब आजकल तो प्रतिलिपि हर सवाल का जवाब दे रहा है। और जो लेखक हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो लेखक बहुत सारे फॉलोअर हैं जो बहुत फेमस हैं तो वो जवाब नहीं देते, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये व्यक्ति का नेचर होता है। कई लोग बहुत फेमस होने के बाद भी उसी नेचर में ढले रहते हैं, और कई लोग तो मतलब पीछे ना हटें, कोशिश करते रहे। और बाकी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, प्रतिलिपि उसका जवाब देता है, और अपने आसपास बातें करें, लेखकों से बात करें, मैं यही कहना चाहूंगी, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया था। जी, बहुत अच्छी टिप्पणी दी आपने, पूछती रहती थी मैं सबसे, लेखकों से ही पूछे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप सुपर फैन सब्सक्रिप्शन का भी हिस्सा है जी, जी तो क्या आपने इसके आने के बाद अपनी लेखन शैली में कोई बदलाव किया है? मैंने मैम लिखती तो मैं उतना ही हूँ, हाँ एक चेंज ये किया मैंने कि पहले मैं कभी 8 दिन में कभी 10 दिन में दूसरा भाग प्रकाशित करती थी, लेकिन जब एक पाठक हमारे लिए भले ही 25 रुपए महीने सब्सक्रिप्शन दे रहा है, उसको हमसे कोई उम्मीद है कुछ भी, तो अब मैं मतलब इसमें कोई लापरवाही नहीं है, अल्टरनेट हर कहानी का भाग प्रकाशित करती हूँ जी, टाइम से पहले, टाइम से पहले जी। तो आप मैंने कंटिन्यू मतलब निरंतरता बना के रखी है जब से। तो क्या धारावाहिक के शब्दों में और जो भाग है उनमें कोई सीमा रखती है कि एक भाग इतने का होना चाहिए, ऐसा कुछ है? मैम मैं 2000 शब्द सीमा रखती हूँ लगभग, वो इसलिए क्योंकि इतना लिखने में कंफर्टेबल रहती हूँ, और दिन बोर हुए 2000 शब्द एक बार में अच्छे से लिख लेती हूँ, तो 2000 का पार्ट रखती हूँ। कभी स्पेशल एपिसोड होता है कुछ मतलब क्लाइमैक्स या कुछ है, तो 3 से 4 हजार वर्ड का राय अपने पाठकों के बीच रख देती हूँ एपिसोड। अच्छा, और एक दिन छोड़कर ही हर कहानी का भाग प्रकाशित करती हूँ। ओके, ओके। जी, तो आपने प्रतिलिपि पर आमदनी करनी शुरू कर दी है, आप इसके बारे में कैसे महसूस करती है? मैम आमदनी तो शब्द ही इतना अच्छा है,
कि कोई भी अच्छा ही महसूस करेगा, चाहे कितनी भी हो, फिर वो हमारी मेहनत की हो और खुद की कमाई हो तो अच्छा ही लगता है। जब पहली बार मुझे पता चला कि हाँ मुझे कुछ मिलने वाला है, वो जुलाई, हाँ जुलाई में फर्स्ट टाइम मुझे मिला था, 1500 रुपये थी मेरी पहली आमदनी। तो मेरे बेटे का बर्थडे भी था, तो ये 1500 रुपये निकाल के मैंने उसको दिए थे। अरे वाह, बहुत जी, प्यारी बात। उसकी पार्टी हो गई थी उसके दोस्तों के साथ, और मतलब मुझे अच्छा लगा था, पहली बार मुझे पता चला। फिर उसके बाद मेरी 3 कहानियां मैम प्रीमियम के लिए भी चुनी गई थी, उसका अलग से मिलता है कुछ। और धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ते गए, अच्छा लगता है। मतलब ये क्या है कि इसकी उम्मीद नहीं थी ना, बिना उम्मीद के जो मिलता है वो और भी खुशी देता है, जी जी ये तो अच्छा लगता ही। और फिर ये बात सच है कि पैसों की मैम सबको जरूरत होती है, कोई भी हो, हम हो आप हो, तो अगर कहीं से हमें मिलता है तो हम उसमें फिर मेहनत करते हैं, ये बात तो सच है, जी तो और अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं। जी तो हम ये कह सकते हैं कि क्या आप सुपर फैन सब्सक्रिप्शन के बाद अधिक समय व्यतीत करने करने लगे आप प्रतिलिपि देखिए, टाइम तो मैं पहले भी बहुत देती थी प्रतिलिपि पर, और प्रतिलिपि पर आने के बाद ही मुझे FM में और पब्लिकेशन में भी काम मिला, तो उसके लिए भी अलग से मुझे लिखना पड़ता है, तो उतना ही लिखती हूँ प्रतिलिपि पर, 2000 शब्द आप समझ लीजिए। लेकिन हाँ, 2 कहानी मेरी हमेशा चलती रहती हैं, दो पे? धारावाहिक अच्छा, मैं लिखती हूँ। तो आप जी, अभी क्या लिख रही है? अभी तो मैम एक जो लेखक अवार्ड के लिए जो वो चल रहा है कंपटीशन, तो एक तेरा इंतजार है आजा, जो हाँ एक क्या कहते हैं, फिक्शन स्टोरी है ओके जी, और एक मिले ना मिले हम, तो दो अभी धारावाहिक चल रहे हैं। आपकी फेवरेट रचना कौन सी है, आपकी खुद की? मैम मेरा दूसरा धारावाहिक था एक, कैसा इश्क है अजब सा रिस्क है, वो प्रतिलिपि पर है, वो काफी करीब है मेरे, 33 एपिसोड का एक धारावाहिक है, वो लोगों को भी बहुत पसंद आया और मैं उससे बहुत गहराई से जुड़ी हूँ। जी, आपका परिवार आपके लेखन का समर्थन कैसे करता है? जैसे आपने कहा आपके बच्चे हैं, तो आपका काफी बिजी जी शेड्यूल रहता होगा, तो आपके परिवार आपको कैसे सहायता करती है? बहुत करते हैं मैम, मेरी फैमिली बहुत हेल्पिंग है। अगर मैं लिख रही हूँ, मैं कह देती हूँ मैं लिख रही हूँ, अभी 2 घंटे डिस्टर्ब मत करना, तो मतलब कोई नहीं कहता अरे मम्मी अभी लिख रही हैं। और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तो बच्चे देख लेते हैं, कभी कभी समझ में नहीं आ रही, या कुछ पूछते हैं कि मम्मी ये हो गया ठीक है, वाईफाई नहीं आ रहा, मतलब हर तरह से हेल्पिंग है, कोई प्रॉब्लम, बहुत अच्छे से लिख रही हूँ मैं, कोई बहुत प्रॉब्लम प्यारी नहीं है। कहानी आपकी। जी तो अब तक की आपको सबसे अच्छी टिप्पणी क्या मिली है, कोई किसी और ऑथर ने, लेखक ने दिया हो या कहीं से भी आया, सबसे अच्छी टिप्पणी? सबसे अच्छी टिप्पणी में मैं अभी 9 लखा मेरा एक जो पूरा हो गया, जो प्रीमियम में है जी प्रतिलिपि पर, जी तो उसमें आप कभी समय आपको मिले पढ़ेंगी, तो उसमें मैंने एक ड्यूल पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करके एक स्टोरी रची है पूरी, तो उसके तहत मुझे एक लड़की का मैसेज आता था कि मैं ठीक इसी मतलब घटना से लड़ रही हूँ जो आपने स्टोरी में दिखाया है, और फिर मैंने उसको दिखाया था कि कैसे वो खुद से ही मोटिवेट हुई और उस गलत चीज को उसने पीछे छोड़ा। तो कह रही मैम आपकी स्टोरी पढ़ के मैंने इस चीज को पीछे छोड़ा है, और यकीन मानिए मतलब मैं अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गई हूँ, वरना मुझे लगता था कि मैं सुसाइड कर लूंगी। अच्छी तो लेखन की मतलब बात मुझे यही ये लगा होगी। कि अगर 100 एपिसोड मतलब मैंने जितना भी लिखा, अगर एक टिप्पणी ऐसी है मेरी वजह से किसी ने इतना कहा, तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। इसीलिए और हेमा जी आपकी रचनाएं प्रसिद्ध भी है, क्योंकि लोग कनेक्ट करते हैं आपके कैरेक्टर से, आपके स्टोरी से, आपकी स्टोरी हाँ, लाइन वो से। कह रही थी मैं किसी से बता नहीं पा रही थी, सोच ही नहीं पा रही थी, तो बोली कि लेकिन इसने मुझे मतलब एक इतनी अच्छी प्रेरणा दी है, तो उससे काफी बात हुई मेरी लड़की से मैंने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इससे अच्छी टिप्पणी कोई हो नहीं सकती। वैसे टिप्पणियां बहुत अच्छी हैं, मतलब पृथ्वी पर मुझे नेगेटिव बहुत कम मिला है, ऐसा कुछ बुरा मेरे साथ नहीं हुआ, अच्छा ही हुआ है सब कुछ। तो आपके जी बहुत सारे पाठक हैं जो आपके लेखन को पसंद करते हैं, बट लेकिन हम चाहेंगे कि वो कौन सा लेखक है जिनके काम को आप पढ़ना चाहते हो और आप उनका सुपर फैन सब्सक्रिप्शन लेना पसंद करोगे?
मैं मुझे वर्षा जी की कहानियां अच्छी लगती हैं, जी जो हॉरर पर काफी लिखती हैं, अच्छा लिखती हैं वो। और आनंद उषा बोरका जी की भी मैंने कुछ कहानी पढ़ी, जी तो इन दोनों की बहुत पसंद आती है। वैसे प्रतिलिपि पर मैं बहुत लिखती हूँ, और कल ही मैंने एक पढ़ी, मैं कावेरी, तो वो नीतू नीतू सिंह की कोई स्टोरी है, वो काफी अच्छी लगी। तो इस तरह से मैं पढ़ती बहुत हूँ, पर ये दो नाम ही याद है मुझे अभी। तो क्या मैं आपने मतलब सुपर फैन सब्सक्रिप्शन लिया है किसी का, किसी ऑथर्स का, लेखक का? मैंने वर्षा कर लिया है चर्चा कर लिया है जी। हेमा जी, अब हमारे एक रैपिड राउंड है जहां पे बहुत जल्दी जल्दी आपको आंसर देने पड़ेंगे, ठीक है? बिल्कुल। तो एक है, क्या आपने कभी किसी और की रचना को देखा और आपकी लेखन से तुलना की है? मैंने तो नहीं की, पर मेरी मम्मी कहती है कि जब भी मैं तुम्हारी कहानियां पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है मैं गुलशनंदा का उपन्यास पढ़ रही हूँ। मुझे समझ नहीं आया, मेरी मतलब मम्मी पढ़ती हैं तो उनका ऐसा कहना है अच्छा, तो क्या जी। प्रशंसकों की जरूरत के अनुसार अपनी रचना में बदलाव करने की कोशिश करते हैं या अपनी सुविधा के अनुसार लिखते हैं? नहीं, प्रशंसकों के अनुसार तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि एक कहानी को 3 से 4 हजार लोग पढ़ रहे होते हैं, तो सबके अलग अलग मतलब क्वेश्चन होते हैं, अलग अलग सवाल होते हैं, अलग अलग शिकायतें होती हैं, तो नहीं कर सकते। मैं खुद ही कहानी सोचती हूँ, और कभी कभी माइनर सा बदलाव बीच में उसमें कर देती हूँ। वैसे मैं पहले ही कहानी प्रिपेयर कर लेती हूँ सब कुछ तो क्या ऐसा कोई उदाहरण है जी। जहां आपके प्रशंसक ही आपकी रचनाओं से नाखुश थे? जी एक उदाहरण है, मैं अभी तक नहीं भूलूंगी, जब मैं ठरकी और शहजादी लिख रही थी, तो उसमें जो उसकी मेन किरदार थी नीली, उसकी डेथ हो जाती, तो उस दिन मतलब उस कहानी को 3 से 4 हजार लोग पढ़ रहे थे, तो सबकी गालियां मिली थी मुझे, बहुत बुरे कमेंट थे, गालियां दी गई थी मुझे, नाराज हुए थे मेरे, पर्सनली भी किया, मैम हम आपकी कहानी पढ़ना बंद कर देंगे। मैंने कोई आंसर नहीं किया। फिर 3 दिन बाद मैंने उसका अगला भाग प्रकाशित किया, जिसमें पता चला कि नीली शिवा को पाने के लिए नाटक कर रही थी, तो फिर सबने मुझसे सॉरी बोला और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए। उन 3 दिनों तक लोग बहुत नाराज थे मुझसे ठीक है, जी। तो आपका सपना क्या है? एक शौक के रूप में लिखना जारी रखें या पूर्णकालिक पेशेवर लेखक बनना चाहते हैं आप? मैं पूर्णकालिक पेशेवर लेखक बनना चाहती हूँ यदि जी। प्रतिलिपि एक इंसान या कहानी का कोई किरदार होता तो उसकी हाँ जी, विशेषताएं क्या होती है आपको लगता है? उसकी विशेषताएं होती मैम वेरी हेल्पफुल, वेरी ग्रेसफुल, और मतलब समझने वाला, लोगों को जो जी बहुत आसानी से समझता है, और सबकी हेल्प करने वाला, सारी जी बहुत अच्छा लगा, अच्छी विशेषताएं होती जी बहुत अच्छा लगा अपनी तारीफ, प्रतिलिपि की तारीफ सुन के, जी सहायता मैम रियली, ये कर सिर्फ पाए मतलब आपको। बोलना नहीं है, प्रतिलिपि जितना फ्रेंडली मैंने कोई मंच नहीं देखा, इसलिए मैं इससे इतनी गहराई से जुड़ी हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत आंसर आता है, अब तो कुछ लेखकों से उन्होंने पर्सनल भी व्हाट्सएप पर बातचीत करना शुरू किया है, तो 1 मिनट के अंदर उस सवाल का जवाब हमें आ जाता। और मतलब लिखते हैं तो अपने तरीके से लिखना है, कभी भी लिखना है, कोई बाउंडेशन नहीं, और ऐसा हो तभी हम खुल के काम कर सकते हैं, मैं बाउंडेशन के साथ नहीं कर सकती कहीं भी, तो हेमा जी, बहुत आप जैसे हेल्पिंग है प्रतिलिपि, इसलिए मैं इसको प्रतिलिपि से मैं हमेशा जुड़ी रहूंगी जी। लेखक जब ऐसी तारीफ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा शायद हम कुछ सही कर रहे नहीं मैम, हैं। आप लोग सही कर रही हैं, इसीलिए इतने लेखक इससे जुड़े हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा लेखक किसी और मंच से जुड़े होंगे। हमारे लेखक और पाठक ही है हमारा स्रोत। बिल्कुल जी मैम, धन्यवाद हेमा जी, आपने अपना कीमती समय दिया और आपने हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू हेमा जी। ठीक है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे चुना कि मैं अपनी मतलब अपनी बातें लोगों के सामने रखूं, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जी, आपकी जो रचना है इतने लोगों ने पढ़ा है, हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जो नए लेखक है वो ये इंटरव्यू देखें और उन्हें काफी सारी अच्छी बातें सुनने को मिले कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो जी धन्यवाद। शुक्रिया।